हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देरानी जेठानी और वो के एपिसोड नंबर एक के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है, ऊंचा का बाप उसको बोलता है कि उसे जिस बात का डर था फाइनली वही हुआ, क्योंकि वो भगवापुर वाला लड़का उसको पीछा कर रहा था और फाइनली वो उसे भगा कर ले ही गया। और वो मन ही मन में सोचता है कि भगवापुर वालों ने तो नाक में दम करके रखा है, इस गांव में एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो किसी को भगा के ना लाया हो। और ये बात ही बात पे वो उसको बोल देता है तो उसकी लड़की उसको बोलती है, तुम्हें तो ऐसा दामाद चाहिए जो घर का नाम रोशन करेगी। तो वो बताता है कि जी हाँ, मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए। और इन बातों के बाद वो उसको नाम रोशन नहीं पर वो गंदा करने का बोलती है, और मैं शायद तेरी शादी ऐसे घर में करवाऊंगा जहां पर तू रानी बनकर रहेगी। तो वो पंचायत को बताती है कि ठीक है, वो बात तो ठीक है, पर फिलहाल तुम मुझको 100 रुपए दो क्योंकि मुझे अपना सूट सिलवाना है। और उसके बाद वो टेलर के पास जाती है और टेलर के मुंह पर वो सूट फेंक के मारती है और उसको बोलती है, टेलर ये तूने कैसे सूट सिला के रखा है, मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं आ रहा। तो टेलर वाला बोलता है कि मैडम, मैंने जो नाप लिया था ठीक उसी के नाप का ही तुम्हारा सूट बनाया है। तो पंचायत को बताती है कि ठीक है, अब तुम फिर से सूट का नाप लो और ये फिर से बनाओ। तो बोले, नहीं नहीं मैं तो पुराने वाले सूट का ही नाप लूंगा और वैसा ही लेटेस्ट बनाऊंगा क्योंकि आपका नाम तो पड़ता रहता है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मेरा शरीर इतना बड़ा थोड़ी नहीं है जो घटता बढ़ता रहता है। और वहाँ पे ही एक कॉमेडी सीन स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा बकबक करोगे तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे वो टेलर को भी धमकाती है, दोस्तों सर कुछ तो बोलो। और ये मैडम जी जो टेलर को है वो काफ़ी अच्छा सूट खेलता है, तुमको गलत फहमी हो गई है, यह सूट वाकई तुम पे बहुत जचता है और कोई स्टैंडर्ड वाले और तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अब रात को सर भैया के सपने में देखने लगता है और सुबह कौन सी वजह से जल्दी से इसकी यहाँ नाक खुल जाती है। यहाँ पर इसका यार यानी कोटी उसको उठाता है और उसको बोलता है कि सर जो भाई हम दूर से देख कर बता सकते हैं कि तुम किसके सपने देख रहे हो और आप सपनों की दुनिया से भरा हुआ है क्योंकि तुम्हारी पैंट भी गीली हो गई है। और यह उसका मजाक लेने लगता है। तो सर को जो बोलता है, जैसे साल की तरह नाम की ही कोठी, ऐसा तेरा नाम है, बस तो अब देखता जा, आज मैं अपना सपना सच करने जा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों सर मुंह पर बांध चोरी के घर पर रात को जाता है और मुंह दबा देता है और अचानक उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और कहानी जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सस्पेंस क्रिएट करती है और इसमें डबल मीनिंग कॉमेडी भी है जो आपको एंड तक पकड़े रखेगी। तो ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।